तो कैसा चल रहा है सब कुछ? अपने कंट्रोल में तो है ना? आपके मना करने के बावजूद एक हरामी ने दुकान खोल रखी है मार्केट में। यहाँ किसी की इतनी औकात नहीं कि मेरे खिलाफ जा सके, पर तू गया तो तुझे इस दुनिया से भी जाना पड़ेगा। यहाँ पे जितनी भी जुग्गी हैं, वो सब लोग कमलेश ठाकुर को वोट करते हैं, और हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उसकी इमेज खराब हो सके। तुम्हें तो पता ही है मैडम कितना दान पुण्य करती है। आज भी उन्होंने गरीबों के लिए कुछ खाना बनवाया। तुम एक काम करो, जाके पास वाली बस्ती में वो खाना बांटाओ। ये बगल में जो बस्ती है ना, इसमें अपने कई जानकार रहते थे, पर साला कोई हरामी कल रात को उनके खाने में जहर मिलाकर दे गया। अरे तूने कितने लोगों को मारा है, इसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थी। फेस को बिल्कुल चमका दीजिए भैया जी, घरवाली के साथ बाहर घूमने जाना है। चिंता मत कर, तुझे सलमान खान बना के भेजूंगा। ये हुई ना बात। अरे बिंदु, अब आ भी जाओ, अब का रात करोगी निकलने में? काहे हमारी सहन शक्ति की परीक्षा ले रही हो? हमको और भी बहुत काम है तुम्हारी नौकरी के अलावा। आगे जी आगे, आप तो दो मिनट में इतना तेजी मचा देते कि क्या बताएं। अब तैयार होके नहीं आए क्या? आप जेंट्स लोगों का अलग है, हम लेडीज लोगों को टाइम लगता है। आप तो अफसर की तरह के टाइम दे देते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे वो सब ठीक है, पर हम दो घंटे का बोल कर आए हैं, दो का चार नहीं कर सकते, छुट्टी नहीं है आज हमारा। तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है, आप बस ये बताइए कि हम लग कैसे रहे। हाँ अच्छी लग रही हो, चलो अब जल्दी बैठो और टाइम खराब मत करो। हम चलाएं गाड़ी। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये तुम्हारी चलाने की गाड़ी है, तुम्हारे लिए स्कूटरी लेंगे नया, उसको चलाना ठीक है। अब जल्दी बैठो, हमारे पास वैसे ही टाइम कम है, बिना मतलब टाइम खराब किए जा रही है। ए जी, ये शर्ट तो आप बहुत सुंदर लग रहा है, इसे पहन के ना एकदम गोविंदा लगेंगे। कितने का भैया जी? 650 का। 650 एक शर्ट का? ये तो बहुत महंगा दे रहे हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है का, महंगा का होता है? 650 रुपए में आता ही का है आजकल। भैया जी आप एक काम कीजिए, ये वाला भी कर दीजिए और ये वाला भी कर दीजिए। तुम पैसों की चिंता काहे करती हो, अभी तो तुम्हारे लिए भी खरीदना है बहुत कुछ, पर उससे पहले वहाँ चलकर जूस पीते हैं गन्ने का। चलिए आइए आपको जूस पिलाते हैं। भैया दो गिलास बना दीजिए, बड़ा वाला। बड़ा नहीं, हमको छोटा चाहिए। अरे छोटा काहे पियोगी, बड़ा लीजिए, आप बड़ा बनाइए दो। आप सोच रहे होंगे कि हम तो अपनी जान देने गए थे। गए जरूर थे, पर अपनी जान लेना इतना आसान काम नहीं है। और फिर हमारे पास मैडम का फोन आ गया। शंकर कहाँ पे हो तुम? फटाफट से ऑफिस पहुँचो। आप कहाँ हैं मैडम? हम कब से आपको फोन मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। मैं बाहर किसी काम से आई हूँ, वहाँ पे जो भी हुआ है मुझे सब पता चल चुका है। तुम अभी जाके सूर्या से मिलो, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। अरे मैडम आप कुछ नहीं जानते, आप जो खाना हमको गरीबों में बांटने के लिए भिजवाए थे ना, वो खाना खाने की वजह से मुझे सब पता चल चुका है। अभी मैं तुमसे जितना कह रही हूँ तुम उतना करो, इसके बारे में किसी से भी कुछ मत डिस्कस करना। इसमें ना तो गलती तुम्हारी है ना मेरी है। तुमसे जितना कहा उतना करो, ऑफिस पहुँचो। शंकर को तुम्हारे पास भेजा, उसे थोड़ा समझा देना। समझाना क्या है, साले को टपका देता हूँ, सारा किस्सा ही खत्म। तुमसे जितना कह रही हूँ ना तुम उतना करो, हर बार मारना पीटना सॉल्यूशन नहीं होता। तुमसे आके मिलती हूँ। हाँ भाई, कहाँ? सूर्या भाई से मिलने के लिए आए हैं। आने दो इसे। शंकर, यही नाम है ना तेरा? जी भैया जी। देख शंकर, जो होना था वो तो हो ही गया, अब वो मरे हुए लोग वापस से जिंदा तो हो नहीं सकते। अब तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो जाकर पुलिस को सब कुछ बता दे, पर उसमें तेरा कोई फायदा नहीं, क्योंकि तूने खुद इन हाथों से उन लोगों को जहर दिया है, उसमें तू ही फंसेगा।
दूसरा ये कि उन लोगों को मारने के गम में तो खुद भगवान को प्यारा हो जा, पर उसमें भी बेवकूफ़ी है। और तीसरा रास्ता मैं तुझे बताता हूँ, मेरे लिए काम कर, तुझे पैसा भी मिलेगा और इस शहर में इज्जत भी। अभी तू फिलहाल के लिए ये पैसे रख और सोच कर बता, मुझे तेरे जवाब का इंतजार रहेगा। चल अब निकल। जी आप तो बाहर ही मिल गए, हम आप ही के पास आ रहे थे। क्या हुआ, मुंह काहे लटकाए हैं? हमें कुछ नहीं हुआ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे गर्मा गर्म खाना लेके आए हैं आपके लिए, आज आपकी तनख्वाह भी मिलने वाली है ना। 500-500 की दो गड्डी, ये तो पूरे 1,00,000 रुपए है। आप तो बोले थे कि 15,000 रुपए सैलरी है, झूठ बोले थे ना हमको? हाँ ए जी, ये तो बहुत अच्छा नौकरी मिला है आपको। अगर ऐसे पैसे कमाते रहे ना, हमारी तो जिंदगी ही सफल हो जाएगी। एक बात बोले, ये नौकरी आप कभी मत छोड़िएगा, ठीक है? पर आपका मुंह काहे लटका है, कौन बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं। तो फिर चलिए घर, आपको लिट्टी चोखा बना के खिलाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे शॉपिंग, बहुत कुछ लेना है हमको, चलिए जल्दी से। पैसे के सामने तो बड़े बड़े लोगों की नीयत खराब हो जाती है, तो हम तो एक मामूली 15,000 की नौकरी करने वाले आदमी थे। सूर्या भाई बिल्कुल ठीक बोले थे, ना हम पुलिस के पास जा सकते थे ना ही अपनी जान दे सकते थे। और फिर बिंदु की खुशी देखकर हमने सूर्या भाई के साथ काम करने का मन बना लिया। वो जो काम बोलते गए हम चुपचाप करते गए, ना ही कोई सवाल किया ना ही जवाब। क्या सही क्या गलत ये तो हमारे दिमाग ने सोचना ही बंद कर दिया था। अरे क्या बात है शंकर बाबू, तुम तो ईद का चांद ही हो गए हो बिल्कुल, आजकल दिखाई नहीं देते, इतना भी कहाँ बिजी रहते हो भाई? अरे क्या बताएं भैया, जब से ये सूर्या भाई के साथ काम करने लगे हैं ना, तब से कब दिन शुरू होता है और कब खत्म हमको पता ही नहीं चलता। कभी भी कुछ भी काम बता देते हैं और हमको निकलना पड़ता है तुरंत। अभी भी बस ये गाड़ी धुलवाने के लिए आए थे, अब धुलवा के उन्हीं के पास जा रहे हैं, सोचा तुमसे मिल लें। चलो ये तो अच्छी बात है, काम में बिजी रहना भी चाहिए। तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए चाय बोल कर आते हैं। अरे रुकिए विनोद भैया, बहुत चाय पिला लिया आप हमको, अब आगे से हम आपको चाय पिलाएंगे। 3 चाय कर दीजिए भैया मट्ठी के साथ। क्या बात है शंकर बाबू, काफी बदल गए हो और पैसा भी अच्छा कमा लिया है। एक बात पूछें, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो? पाजी ये बात तो हम भी पूछना चाहते थे आपसे। अरे पाजी आप बोलते भी हैं, हम तो सोचते थे कि आप गूंगे हैं। देख रहे हो विनोद? देख तो हम सब रहे हैं, बस कुछ बोलते ही नहीं है। अरे तुम चिंता काहे कर रहे हो भैया, कुछ गलत नहीं कर रहे हम। तो फिर इतना पैसा कहाँ से कमा रहे हो? तुम ही तो बताए थे हमको बिनोमो ऐप के बारे में। बिनोमो ये क्या चीज है? बिनोमो एक ट्रेडिंग ऐप है जहाँ तुम दिन का 1,000 रुपए तक कमा सकते हो। 1,000 रुपए, वो कैसे? इस पे तुमको ट्रेडिंग करना है और सही दाव लगाना है कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ। यहाँ करो तुम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और जीतो 100% रिटर्न, और बिनोमो से भी तुमको पूरी सहायता मिलेगी। पाजी थोड़ा अच्छे से समझाओ। अरे विनोद तुम पाजी को बताए नहीं का बिनोमो के बारे में? ये देखिए ये हमारे पास 10,000 हैं, इसमें से हमने ये अमाउंट ट्रेड पे लगा दिया। अब हमारी समझ से ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ये देखिए जा रहा है, ये देखिए और ये गया, ये देखिए कितना अमाउंट आ गया हमारे पास। अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया ऐप है। इसको चलाना बहुत आसान भी है और पैसा जमा करना और निकालना भी, कोई फालतू पैसा नहीं कटेगा तुम्हारा, कभी भी निकालो। बस अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बढ़ा लीजिए कि कौन सा एसेट ज्यादा फायदा करेगा और कौन सा कम, फिर देखिए आप पैसा ही पैसा कमाएंगे। इसको तो मैं अभी डाउनलोड करता हूँ। हमारे ही दिए हुए लिंक और प्रोमो कोड से कीजिएगा, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, और अपने जितने भी दोस्त हैं सबको डाउनलोड करवाइएगा, उसमें आपको और बोनस मिलेगा। ठीक है पाजी, अगली बार इससे पैसे कमा के मैं चाय पिलाऊंगा आपको। तो फिर अब का तुम ये कहोगे कि पाजी भी गलत काम करते हैं, हमारे काम को गलत बता रहे हैं, बताओ। चलिए आप लोग बैठिए, हम निकलते हैं, हमें थोड़ा सा काम है। अरे यार एक तो मैडम फोन नहीं उठा रही, ऊपर से सूर्या भाई मर्डर पे मर्डर किया जा रहा है, शहर में खून तो पानी की तरह बह रहा है, और तू साले तेरे से कितनी बार कहा ड्रेस पहन के आया कर, अपने बाप के ब्याह में आया क्या? समझ नहीं आ रहा साला, शहर में डेली एक मर्डर हो रहा है। तो तुम क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर? Oh,
जैन सर, सर आपने आने की तकलीफ क्यों की, मुझे ही बुला लिया होता। इंस्पेक्टर, जब तक तेरे जैसे पुलिस वाले डिपार्टमेंट में है ना, तब तक शहर में मर्डर होते रहेंगे। सर इस सब के पीछे किसी बहुत बड़े गैंग का हाथ है, आप चिंता मत कीजिए, छानबीन जारी है, हम बहुत जल्दी कातिल को पकड़ लेंगे। हाथ तो तुम्हें भी पता है कि किसका इंस्पेक्टर। 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, सबूत मुझे मेरे टेबल पर चाहिए, वरना ऑफिस आकर अपना सस्पेंशन लेटर ले जाना, फिर जिसके तलवे चाटते हो उसी की नौकरी भी कर लेना। ऐसा कोई माई का लाल पैदा ना हुआ जो हमारे काम रोक जाए। भैया जी, आप जो सामान दिए थे वो हम फार्म हाउस पे पहुंचा दिए हैं, हमारे लिए कुछ और काम है कि हम घर निकलें। अबे यार शंकर, तुझे काम बताने के बाद मैं टेंशन ना लेता, तुझे काम बता दिया मतलब मेरी साइड तो हो गया, और तू के पूरे दिन काम काम करता रहे, कभी हमारे साथ बैठ के दो दो पैक भी ले लेकर। अरे नहीं भैया जी, हम शराब नहीं पीते हैं। अच्छा ये भी सही है। अच्छा इनसे मिल, ये है मेरी खास दोस्त रिंकी, अब तो तू भी हमारा खास आदमी है तो तुम्हारा मिलना जुलना तो जरूरी है। नमस्ते रिंकी जी। नमस्ते शंकर जी। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारे जितने भी आदमी है ना, सबसे हटके मुझे ये शंकर ही लगा, और तुम्हारा हेयर स्टाइल तो कमाल का है। अरे रिंकी जी ऐसे मत बोलिए, हमको लाज लगता है। वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल करो, हम कौन होते हैं भाई रोकने वाले। तो चले शंकर जी, जैसे आप बोले। शंकर कभी चलो मेरे साथ घूमने, फ्री टाइम में करते क्या हो? पढ़ाई कर लेते हैं रिंकी जी। क्या पढ़ाई, नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी करते हो? अरे बहुत शौक है हमें पढ़ाई करने का, आप तो जानती होंगी हमारे बिहार से कितने आईएएस आईपीएस निकलते हैं, तो हमारा भी सपना है अगर कोई सरकारी नौकरी लग जाए तो लाइफ सेट हो जाए। बहुत बढ़िया, चलो अपना नंबर दो, कभी फ्री टाइम मिले तो मेरे साथ चलना घूमने। जी लिख लीजिए, 98 11 39 11। ठीक है, फ्री टाइम में ना कॉल करूंगी, फोन पिक कर लेना। चलो बाय। बहुत सही काम कर रहे हो शंकर, हमें आज भी याद है वो रात जिस रात तुम फुटपाथ पर सो रहे थे और हम तुम्हें अपने घर लेके आए थे। मैडम के पास नौकरी लगवा के हमने सोचा तुम्हारा घर चल जाएगा, लेकिन तुम तो दूसरों का ही घर खाने लग गए। इका बकवास कर रहे हो विनोद, ऐसा क्या कर दिए हम? हमें अभी भी तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं दिख रहा है, हमें मालूम हो गया उन बस्ती वालों के खाने में जहर तुम ही मिला के दिए थे, और तुम ये जो सूर्या के सभी गलत कामों में साथ दे रहे हो ना, सब मालूम है हमें। देखो हम अच्छे से जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ गलत नहीं की हो तो भोजाई को तो मालूम ही होगा तुम क्या काम करते हो, सीधा उन्हीं से जाके पूछ लें। देखो शंकर, तुम हमारे गांव के हो, हमारे भाई जैसे हो, इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं, इन सब काम में कुछ नहीं रखा, हम तो ये नौकरी छोड़ रहे हैं, तुम्हारी भी भलाई इसी में है कि ये नौकरी छोड़ दो, अपने आप को पाप का भागीदार मत बनाओ। कौन कहां जाने की बात कर रहा है भाई, हमें भी बता दो। भैया जी आप? कुछ नहीं, वो विनोद को गांव में कुछ काम था तो छुट्टी मांगने के लिए कह रहा था, तो हम आप ही के पास ला रहे थे, इसको कुछ दिन का छुट्टी दे दीजिए। कोई छुट्टी नहीं चाहिए हमको, ये नौकरी छोड़कर जा रहे हैं हम, हमें पता चल गया है आपके हाथ उन गरीब बस्ती वालों के खून से रंगे हुए हैं, इसलिए नौकरी छोड़कर जा रहे हैं हम। एक बार और सोच लो, कहीं ये फैसला तुम्हारा आखिरी फैसला ना बन जाए। इनको माफ कर दीजिए भैया जी, ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, पता नहीं कुछ गलत समझ कर बैठे हैं, हम इनको समझा देंगे, इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। तुम क्यों माफी मांग रहे हो शंकर, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलत काम तो ये लोग करते हैं। पाजी, 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 ये क्या कर दिए भैया जी आप, हम आपको बोले थे ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, काहे मार दिए इनको? हमारे धंधे में धोखेबाजी नहीं चलती शंकर, और ये बात तुझे अच्छे से पता है, तू हमारा खास है, आज इस बात का सबूत चाहिए मुझे, मार डाल इसको। मार दे, अगर तू नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा इसे, और ये पहली बार थोड़ी है जो तू किसी की जान ले रहा है,
40-45 बस्ती वालों को भी तो मारा था तूने, भूल गया? मार दे इसे। बगल में जो बस्ती है ना, इसमें अपने कई जानकार रहते थे, पर साला कोई हरामी कल रात को उनके खाने में जहर मिलाकर दे गया। आगे मत बढ़ना, कोई भी गोली चला देंगे, हम बता रहे हैं। विनोद उठ, विनोद यहाँ से उठ। पागल मत बन शंकर, बंदूक मुझे दे। हम बता रहे हैं भैया जी, हम गोली मार देंगे अगर हमारे पीछे कोई भी आए तो। भाग विनोद, भाग यहाँ से, भाग। तो गाइज कैसा लगा एपिसोड 3 कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट शेयर भर भर के कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसका अगला एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है। और बिनोमो ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।